بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا لعنة الله على الظالمين معزز ناظرين الكرام इस सीरीज में हम आज आपका फिर इस्तकबाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नशिस्त में मैं आपको बताऊंगा कि बड़े बड़े गुनाहों में से एक ये भी है कि कोई इंसान किसी को लानत व मलामत करे जबकि वो उसका मुस्तहिक नहीं। लानत व मलामत, ये अल्फाज हमारी सोसाइटी में बहुत सुने जाते हैं। हमारे समाज में जिस रास्ते से आपका गुजर हो, जिस चौराहे पर आप खड़े हो जाइए, वहां आपको अगर कुछ आदमी जमा नजर आ रहे हैं तो बहुत मुमकिन है कि इस तरह के लानत और मलामत के अल्फाज उनकी जबान से आपको सुनने मिले। कभी इस वजह से भी कि लोगों को इसका शऊर नहीं होता है, और कभी ऐसा भी होता है कि लोग जानते हैं लेकिन तैश में आकर, चूंकि अपने मुखालिफ को, अपने अपोजिशन को वो अपना दुश्मन समझते हैं, इसलिए उनके लिए हर किस्म की लानत मलामत को रवा समझते हैं। इसलिए मैं आज के इस एपिसोड में आपको बताऊंगा कि लानत और मलामत की जायज सूरतें क्या हैं और किस किस्म की लानत बड़े बड़े गुनाहों की फहरिस्त में आती है। लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं कि पिछली नशिस्त में मेरी गुफ्तगू जो आपसे हुई थी उसका मौजू था गीबत, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि गीबत ये भी जबान से सरजद होने वाली एक ऐसी बड़ी गलती है कि जिससे अगर यहाँ तौबा न कर ली गई और जिसकी गीबत की गई है उससे माफी न मांग ली गई तो शायद ये हमारे लिए बायस हलाकत हो सकती है, और गीबत करने वाला वो अल्लाह की वाईद का मुस्तहिक हो सकता है। आज आपके सामने जो मौजू है वह है लानत व मलामत। हज़रत इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का वो असर जो तिर्मिज़ी में सही सनद के साथ मरवी है, वो कहते हैं कि एक मुसलमान का शेवा नहीं कि वो किसी को लानत और मलामत करता फिरे, बल्कि एक मुसलमान के लिए मुनासिब ही नहीं कि वो लानत करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी खास शख्स, हत्ता कि किसी मुतायन जानवर को भी लानत और मलामत करने से मना फरमाया है। अबू दाऊद किताबुल अदब और बाबुन फिल्लान के अंदर मुतअद्दिद रिवायात हैं, जिनमें से एक रिवायत हजरत समूरा बिन जुंदुब रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है सही सनद के साथ। वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है इस बात से कि कोई इंसान दूसरे को नाम लेकर, यानी बतौर खास लानत व मलामत करे कि तुम पर अल्लाह का गजब हो, तुम पर अल्लाह की लानत हो, तुम जहन्नम में जाओ। इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत व मलामत करने से मना फरमाया है। लानत व मलामत करने का मामला ऐसा है कि जिस शख्स की ये आदत पड़ जाए और दुनिया में जो लोगों को कर्ज करता फिरे, उनको लानत व मलामत का निशाना बनाता रहे, तो ख्वाह वो कितनी ही नेकियां कर ले, कितनी ही भलाइयां कर ले, कयामत में उसको एक महरूमी होगी। वो ये कि उम्मत मुहम्मदिया को ये खसूसियत है कि बहुत सारे वो मोमिन जो सालेह और नेक हैं, पायस लोग हैं, कयामत के दिन वो बहुत दूसरे लोगों की सिफारिश करेंगे, उनके काम आएंगे। उम्मत मुहम्मदिया की खसूसियत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको शफाते उज़्मा नसीब होगी, लेकिन उनके अलावा भी आपके बहुत सारे उम्मती जो सालेह और नेक होंगे वो दूसरों के लिए सिफारिश करेंगे, ये साबित है। लेकिन ऐसा इंसान, ऐसा मोमिन जो इस दुनिया में लानत व मलामत करता फिर रहा हो, दूसरों को हर बात पर अपने गजब का निशाना बनाता रहा हो, तो उसे शफात से महरूमी होगी और वो दूसरों की शफात नहीं कर सकेगा। हालांकि ये उम्मत मुहम्मदिया की खसूसियात में से है। ये भी अबू दाऊद किताबुल अदब और बाबुल्लान के अंदर हजरत अबू दर्दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो
लानत व मलामत करेगा, कयामत के दिन वो सिफारिश नहीं कर सकेगा, दूसरों के काम नहीं आ सकेगा। लानत व मलामत का मामला ऐसा है कि अगर कोई शख्स किसी को लानत करता है और वो लानत का मुस्तहिक है ही नहीं, तो फिर वो लानत उसी की तरफ लौट कर आती है। गोया अगर हमने जज्बात में आकर किसी को लानत व मलामत का निशाना बना दिया और उसे लानत भेज दी और वो उसका मुस्तहिक ही नहीं है बल्कि वो एक अच्छा इंसान है, तो फिर ये लानत इसके मुस्तहिक खुद हम होंगे, यानी लानत करने वाला। अबू दाऊद ही में किताबुल अदब बाबुन फिल्लान के अंदर एक रिवायत हजरत अबू दर्दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि जब कोई किसी पर लानत करता है तो ये लानत आसमान की तरफ जाती है, लेकिन आसमान का दरवाजा उसके लिए बंद कर दिया जाता है। वहां से लानत जमीन की तरफ पलटती है, लेकिन जमीन भी उसके लिए बंद कर दी जाती है, यहां भी उसका कोई ठिकाना नहीं मिलता। तो फिर वो लानत अपने दाएं और बाएं घूमने लगती है, चक्कर लगाती हुई तलाश करती है उस इंसान को जिसके लिए भेजी गई है। चुनाचे ये लानत उस इंसान के पास पहुंचती है, लेकिन जब वो इंसान इसका मुस्तहिक नहीं होता है तो फिर ये लानत उसके पास पलट कर आती है जिसने अपनी जबान से ये लानत के अल्फाज निकाले थे, और ये लानत उसी पर आकर चस्पा हो जाती है और उसी को अपना ठिकाना बना लेती है। ये हदीस रसूल है, लेकिन इस हदीस की सनद ज़ईफ है, यानी ये कमजोर रिवायत है सनद के एतबार से। अलबत्ता जो इसका मतन है, माना और मफहूम है, यह दूसरी सही रिवायत से भी साबित है। जैसा कि अबू दाऊद ही की दूसरी रिवायत जो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से किताबुल अदब और बाबुन फिल्लान में मरवी है, उसमें भी माना पाया जाता है। हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं, यह सही रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में तेज हवा चलने की वजह से एक इंसान की चादर उड़ गई और गिर गई। हवा का झोंका आया और उसने चादर को उड़ाकर गिरा दिया। उस इंसान को गुस्सा आया और उसने उस हवा के ऊपर भी लानत भेज दी, तुझ पर लानत हो ए हवा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी तो आपने फरमाया कि हवा पर लानत मत भेजो, ये हवा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की फरमाबरदार है, ये हवा तो अल्लाह के हुक्म की ताबे है, अल्लाह जैसा कहता है वैसा ही चलती है, इसलिए ये लानत की मुस्तहिक नहीं है, हवा को लानत भेजने से बचो। और फिर आपने फरमाया कि सुन लो, जो कोई किसी को लानत भेजता है अगर वो शख्स या वो चीज उस लानत की मुस्तहिक नहीं ठहरती, तो फिर ये लानत लौट कर उस इंसान के पास आती है जो खुद लानत भेज रहा था, और उसी पर आकर चस्पा हो जाती है, उसी को अपना ठिकाना बना लेती है, और वही इंसान जिसने लानत भेजा था वही उसका मुस्तहिक हो जाता है। ये है लानत का मामला। इसलिए हमारे माशरे में जो आज बहुत आम है, तुम पर अल्लाह की लानत हो, तुम पर अल्लाह की गजब हो, तुम जहन्नम में जाओ, बात बात पर लोग दूसरों को ताना जनी करते और लानत व मलामत का निशाना बनाते हैं, उन्हें ये लानत के अल्फाज अदा करने से पहले सोचना चाहिए कि ऐसा तो नहीं जिसकी बाबत मैं ये अल्फाज अदा कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं लानत के अल्फाज भेज रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कि वो इसका मुस्तहिक न हो और फिर नतीजतन ये लानत मुझी पर वापस पलट कर चस्पा हो जाए। इसलिए मेरे दोस्तों, किसी खास शख्स को, हत्ता कि किसी खास जानवर को लानत भेजना मुतायन तौर पर इस्लाम में जायज नहीं है। इस्लाम ये एक ऐसा दीन है जिसे दीन समाह कहा जाता है। मामलात में अगर कोई तीखी बात हो जाती है, आपके आपसी मामलात में अगर कुछ तूतू मैमे हो जाती है, तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप सब्र कीजिए, अपने आप को कंट्रोल में रखिए, सब्र जब्त का मुजाहरा कीजिए, और फिर इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद जब आपका मूड फ्रेश होगा और आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि लानत व मलामत जो मैं करने जा रहा था ये गलत होता।
क्योंकि वो मेरा ही साथी है, मेरा ही बिजनेस पार्टनर है, मेरा ही पड़ोसी है, बल्कि मेरा ही दोस्त है। थोड़ी सी गलती हो गई थी, वो इस लायक तो नहीं कि उसको लानत तो मलामत किया जाए। अलबत्ता यहां मैं आपको एक बात बताऊं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बाज अहादीस में लानत व मलामत करना साबित है। बाज कबाइल के लिए या बाज लोगों के लिए खुसूसी तौर पर, तो इस सिलसिले में मुमकिन है किसी के जहन में यह सवाल पैदा हो कि आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानत व मलामत क्यों करते थे। जब लानत व मलामत करना गुनाह कबीरा है, किसी को अपनी लानत का निशाना बनाना, जैद अमर बकर या किसी को उसके नाम के साथ लानत करना, जब ये गुनाह कबीरा है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर लानत क्यों फरमाई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बाज दफा इस तरह गैज़ो गज़ब के आलम में कुछ अल्फाज अदा हुए हैं जिनसे लानत व मलामत का इजहार होता है। तो ऐसी तमाम लानत जो आपकी जबान से अदा हुई है, हदीस के मुताबिक साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब से आहद किया है कि ऐ अल्लाह, अगर मैं किसी अपने मोमिन बंदे की बाबत, किसी तेरी मोमिना बंदी की बाबत अपनी जबान से ऐसे अल्फाज अदा कर दूं जो लानत के हों, तो ऐ अल्लाह तो इसकी वजह से, या अल्लाह मेरी इस लानत को तो उस अपने बंदे या उस अपनी बंदी के लिए पाकी, पाकीजगी और अजर व सवाब का जरिया बना दे। चुनाचे इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने मुतअद्दिद अहादीस इस सिलसिले में नकल की हैं और इमाम नववी ने मुस्लिम की तबवीब करते हुए एक बाब ही बांधा है, बाबु मन लअनहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलैस हुवा अहलन लहा फहिया लहू ज़कातुन व अजरुन। जिसका मतलब है उस शख्स का बाब इस बात का कि वो शख्स जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई और वो उसका मुस्तहिक नहीं है, तो ये लानत उस इंसान के लिए पाकी, पाकीजगी, तहारत और अजर व सवाब का सबब है। हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से एक रिवायत मुस्लिम ही में मरवी है जो इस बात की गवाही देती है। आयशा कहती हैं कि एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो आदमी आए, उन्होंने आपसे कुछ गुफ्तगु करना शुरू किया। गुफ्तगु के दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गजबनाक हो गए, भड़क गए। आयशा कहती हैं, मुझे नहीं मालूम कि बात आपसे क्या हुई, किस मौजू पर हुई और क्या दोनों फरीक ने कहा, लेकिन मैंने आपके गैज़ो गज़ब को सुना। आप इस कदर बफरे हुए थे कि आपने उन दोनों आदमियों को अपनी लानत का भी निशाना बनाया और उनके लिए सख्त अल्फाज अदा किए। चुनाचे आयशा कहती हैं कि जब वो दोनों आदमी चले गए, तो मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल, इन दोनों को आपके यहां से कोई खैर नहीं मिला। अल्लाह के रसूल ने पूछा, वो क्या? आयशा ने कहा कि वो बेचारे आए थे आपके पास, लेकिन आपने उनको अपने गैज़ो गज़ब का निशाना बनाया, आपने उन पर लानत भेजी और बेचारे वो मायूस होकर चले गए, उनको कोई खैर नहीं मिला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा, क्या आपको नहीं पता कि मैंने अपने रब से ये शर्त की है कि ऐ अल्लाह, मैं अपने किसी भाई को, मैं किसी साहिब ईमान को अगर लानत तो मलामत कर दूं, क्योंकि मैं एक इंसान हूं, जिस तरह गुस्सा इंसानों को आता है मुझे भी आ सकता है, तो अगर मैं गैज़ो गज़ब में आकर, गुस्से में आकर किसी मोमिन या किसी मोमिना को अपने लानत व मलामत का मुस्तहिक ठहराऊं और वो उसका मुस्तहिक नहीं, तो ऐ अल्लाह, मेरी भेजी हुई इस लानत को तो अपने उस मोमिन बंदे या अपनी उस मोमिन बंदी के लिए ज़कात यानी पाकी व अजर यानी सवाब का जरिया बना दे, तो मेरी लानत उन दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि मेरे रब से मेरा मुआहदा हो चुका है, मेरी लानत से उनका कोई नुकसान नहीं होगा। इससे हम ये नतीजा निकाल सकते हैं और ये मसला मुस्तंबत कर सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूंकि वही आपके पास आती थी और आप अल्लाह से हम कलाम होते थे और इस तरह से आपका अल्लाह से मुआहदा हो चुका था कि अगर आपकी लानत उस इंसान के लिए मुनासिब नहीं थी
और उसका मुस्तहिक नहीं था फिर भी आपकी जबान ने लानत भेजी, तो वो उनके लिए अजर और पाकी का जरिया होगा। लेकिन एक आम इंसान, चूंकि वो उसका अल्लाह से ऐसा कोई मुआहदा नहीं है, उसकी पहुंच वो नहीं है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, ऐसी कोई शर्त उस बंदे से अल्लाह की नहीं है, तो फिर हर एक को, हम में से हर एक को बचना चाहिए कि वो किसी खास इंसान को लानत भेजे, ताकि ऐसा न हो कि वो लानत जिसके लिए भेजी गई है, अगर वो आदमी मुस्तहिक नहीं है तो फिर वो हमारी तरफ लौट कर आए और हम उसके मुस्तहिक बन जाएं। इस तरह लानत ये एक बहुत ही मुखीफ चीज है, ये एक ऐसी जबान की बुराई है जिससे इंसानों को एहतियात करना चाहिए। प्यारे नाजरीन, हमारी भी आपसे यही गुजारिश होगी कि अगर ये पैगाम पीस टीवी के थ्रू आपको मिलता है तो आप अपने आप को चौकन्ना कर लीजिए, आप मुतनब्बा हो जाइए कि ये छोटी छोटी गलतियां जिसे हम गलती नहीं समझते, ऐसा ना हो कि हम न जानते हुए उसे अदा कर ले और ये चीज हमारे लिए जहन्नम में जाने का सबब हो जाए। इससे पहले हमें अपना हिसाब कर लेना चाहिए कि हमने क्या खोया है और हम फ्यूचर में क्या कुछ पा सकते हैं। लानत करना किसी मुतायन इंसान को, हत्ता कि किसी मुतायन जानवर को, ये इस्लाम में नाजायज और हराम है। जिसकी वजह यह है कि अगर वो इंसान या वो जानवर उस लानत का मुस्तहिक नहीं होगा तो फिर वो लानत उस लानत करने वाले के पास पलट कर आएगी और उसी पर चश्मा हो जाएगी, नतीजतन वही उस लानत का मुस्तहिक हो जाएगा जो कुछ उसने अपनी जबान से निकाला। अलबत्ता लानत जायज है किसी खास इंसान को न करते हुए, किसी खास जानवर को निशाना न बनाते हुए, खास गरोह को जो उन बुराइयों में मुब्तला हैं, उन बुरे अकीदों में मुब्तला हैं, जायज है कि लानत भेजा जाए। चुनाचे इमाम नववी ने अपनी किताब रियाज़ुस्सालिहीन में एक बाब ही बांधा है, बाबु जवाजी लानी अस्हाबिल मासी गैरिल मुअय्यनीन, यानी इस बात का बयान कि जायज है लानत करना उन गुनहगारों को जिनका नाम न लिया जाए, जिनको मुतायन तौर पर नाम से न पुकारा जाए, बल्कि उनके जुल्म या उनके उस गुनाह की रोशनी में कि जो ऐसा करे वो अल्लाह की रहमत से दूर हो। इस तरह से लानत व मलामत करना इस्लाम में जायज है, जैसा कि कुरान की आयत भी शहादत देती है। अल्लाह ने सूरह हूद सूरत नंबर 11 और आयत नंबर 18 में इरशाद फरमाया है, अला लानतुल्लाहि अलज़्ज़ालिमीन, सुन लो अल्लाह की लानत है जालिमों के ऊपर। देखिए किसी खास शख्स का, जैद का, अम्र का, बकर का, फातिमा और जैनब का नाम तो नहीं लिया गया, अलबत्ता इस आयत में ऐसे लोगों का तस्करा है जो जुल्म करने वाले हैं, वो कोई भी हों, वो जैद अमर बकर हों या फातिमा और मरियम हों, जो भी ऐसा अमल करेगा वो इस लानत का मुस्तहिक होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक हदीस जो मुत्तफ़क़ अलैह बुखारी और मुस्लिम दोनों में जिक्र है, आपने मदीना मनव्वरा का तस्करा करते हुए फरमाया, मन अहदस फीहा हदसन औ आवा फीहा मुहदिसन फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन, कि वो शख्स जो इस मदीने में बिदात ईजाद करे या इसमें किसी बिदाती को पनाह दे तो उस पर अल्लाह की लानत हो, उस पर